हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर डेली मॉर्निंग मैं लेकर आता हूं आपके लिए डेली करंट मास्टर सीरीज़। आज डेली करंट मास्टर सीरीज़ में प्रिलिम्स और मेन्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और द डेट इज़ 25th of May, है ना, 25 मई है आज। देखते हैं फटाफट से कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास डिस्कस करने को। मेरी फ़ोटो क्यों नहीं आ रही, एक बार ये भी देख लूँ मैं ज़रा, मेरी फ़ोटो कहाँ चली गई भाई, मेरी फ़ोटो कहाँ चली गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। Here is my photo. चलिए कोई बात नहीं, आज मेरी फोटो के बिना ही पढ़ लेते हैं, फोटो तो आ नहीं रही। गुड मॉर्निंग जी। चलिए तो लेट्स क्विकली बिगिन विद द प्रोसेस। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आज क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आज सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, हालांकि एक दो दिन पहले ही न्यूज़ में आया था पर हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हम अबाउट व्हाट। आ जाओ, सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं डिप कोवैन किट के बारे में, है ना। द फर्स्ट टॉपिक टुडे व्हाट वी विल बी डूइंग इज डिप कोवैन किट, ठीक है। डिप कोवैन किट ये बेसिकली कोविड के लिए एंटीबॉडी किट है, DRDO ने डेवलप किया है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। सेकंड जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो रिलेटेड है किस चीज़ से, वो रिलेटेड है फ्लाइज से, है ना, वाइट फ्लाइज से, ठीक है, वाइट फ्लाई। तो ये एक बड़ी परेशानी का कारण बन गया है, इसके बारे में जानेंगे वाइट फ्लाइज क्या हो रहे हैं और किस तरह से परेशान कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए एक समस्या बन गए। फिर जानेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, इनकी जयंती थी अभी, है ना, राजा राम मोहन रॉय। और फिर फोर्थ जो टॉपिक आज हम बात करेंगे दैट विल बी अबाउट प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट, है ना, प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट जो है ये कौन पब्लिश करता है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर एसोसिएटेड, ठीक है। और फिफ्थ आस्पेक्ट जो हम देखेंगे आज, इसी में HE टारगेट्स भी बता दूंगा आपको, HE टारगेट्स के अलावा यहाँ पे फिफ्थ जो हमारा टॉपिक होगा आज वो है क्या, माउंट निरगा गोंगो, है ना, माउंट निरगा, है ना, या नीरा बोलना चाहिए, गोंगो, ठीक है, वेयर इज दिस, जानेंगे आज के सेशन में। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी प्लस पर नए बैचेस शुरू होने वाले हैं 26 तारीख से, यानी कि कल से, है ना, 26 से न्यू बैचेस शुरू होने वाले हैं। मैं एक और बैच शुरू कर रहा हूँ 30th से, इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस, है ना, अपकमिंग बैचेस हैं। और 25+10% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको GS और ऑप्शनल दोनों का सब्सक्रिप्शन अगर आप साथ में लेते हैं तो। ये ऑफ़र भी कल तक ही वैलिड है, 26 तक ही वैलिड है, है ना। इस ऑफ़र के बाद जो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट आपको पड़ेगा दैट इज़ फॉर 77,000 वन ईयर के लिए और 1,12,000 टू ईयर के लिए। तो वन ईयर वाला जो है वो 57,500 का और टू ईयर का 83,100 का, ऐसा आपको कॉस्ट यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। डिस्काउंट के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं DN लाइव कोड, इस कोड को यूज़ करने के बाद कॉस्ट जो है और कम हो जाएगा, इट विल बी 52,000 and 75,000 टू ईयर के लिए, 75, वन ईयर के लिए 52, तो यू कैन ईजिली गो फॉर दिस। चलिए तो आज का फोकस टॉपिक कौन सा है, ये अभी पता चलेगा आज का फोकस क्या है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा आपको यहाँ पे 360 डिग्री, दैट मींस प्री प्लस मेंस, है ना, GS प्लस ऑप्शनल, और प्री प्लस मेंस, GS प्लस ऑप्शनल, इसके साथ साथ आपको एक क्या मिलेगा भैया, इसके साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा कुछ तो मिलेगा, करंट प्लस स्टैटिक, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। यू विल बी गेटिंग 3 kinds of courses, NCERT कोर्स जो बेसिक कोर्स है ना, इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पे,
फाउंडेशन कोर्स के अलावा आपको यहाँ पे रिवीजन या कैप्सूल कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो हर लेवल की तैयारी आप यहाँ पर हमारे साथ कर पाएंगे, और सिर्फ क्लासेस नहीं मिलेंगी, क्लासेस के अलावा आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिलेंगे, है ना। एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस है, बिल्कुल लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी ज्वाइन करना है तो आपको ये वाला कोड यूज़ करना है DN लाइव, सो दैट आपको मेरा गाइडेंस, मेरा सपोर्ट मिल सके, प्रो टिप्स मिल सके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए जी, तो ये सारी बातें हो गई, कल लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना। आ जाओ टॉपिक पे, लिए चलता हूँ अब आपको। सबसे पहला अपडेट आज का डिप्को, है ना, डिप्को वैन किट। डिप्को वैन किट किसने डेवलप किया है? तो DRDO ने डेवलप किया है। क्या है ये, है ना, दिस इज़ कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, है ना, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। अब एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है मतलब किस चीज़ में यूज़ होगा भाई? तो जैसे मान लीजिए आप सीरो सर्वेज करते हैं, है ना, सीरो सर्वेज वगैरह करते हैं तो डिटेक्ट होगा, है ना। तो प्राइमरी पर्पस इसका क्या है भैया? एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी क्या होता है भाई? सबसे पहला सवाल कि एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी जो है, इतना तो समझ में आ ही गया है, हम लोग रोज बात करते हैं कि बॉडी में कुछ होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी वायरस से, किसी भी इन्फेक्शन से, है ना, ये बात तो समझ ही गए आप। तो एंटीबॉडीज, अगर बायोलॉजी के टर्म्स में मैं बात करूँ तो ये प्रोटीन्स होते हैं, है ना, दीज आर प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं ये, प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम, है ना, जो कि एंटीजेंस को अटैक करते हैं। पॉइंट नंबर वन, एंटीबॉडीज, है ना, एंटीबॉडीज किसको अटैक करते हैं? एंटीजेंस को। तो फिर मतलब एंटीजन कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब चीज़ है, तभी तो अटैक करवा रहे हैं हम लोग, एंटीबॉडी डेवलप करवा के। तो एंटीजन जो है वो एक टॉक्सिन है, या जो फॉरेन सब्सटेंस है, है ना, जो कि बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम को, है ना, अटैक करने आया है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज एंटीजन। तो एंटीजन इज अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस दैट इंड्यूसेज अ इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम इन द बॉडी, ठीक है। तो एंटीजन को अटैक कौन करेगा? एंटीजन से प्रोटेक्ट कौन करेगा? एंटीबॉडीज, ठीक है। डिप्कोवैन किट जो है वो स्पाइक एज वेल एज न्यूक्लियो, है ना, न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन्स दोनों को ही डिटेक्ट कर सकता है। काफ़ी हाई सेंसिटिविटी है, ये बात ध्यान रखिएगा, 97%। और स्पेसिफिटी की बात करूँ तो वो है कितना, स्पेसिफिसिटी है यहाँ पर 99%, मतलब काफ़ी एक्यूरेट, है ना, इससे डिटेक्शन हो सकता है। इसका शेल्फ लाइफ है 18 months, मतलब एक बार बनाया गया तो 18 महीने तक आप इसको दुकान में या स्टोरेज में रख सकते हैं, तो दैट अगेन इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई सर यहाँ तक की। जो डिटेक्शन किट है इसको अप्रूव किया है किसने? ICMR ने, ICMR अप्रूवल इसको मिला हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, ICMR अप्रूवल मिला हुआ है। और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि भैया 75 मिनट में टेस्ट पूरा हो जाएगा, है ना, और शेल्फ लाइफ 18 months का, ठीक है। तो बल्ले बल्ले हो गई भाई साहब, 18 months की शेल्फ लाइफ, 75 मिनट में टेस्ट पूरा हो जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक टर्म आपको और देखने को मिलता है, ELISA। ELISA क्या है? एंजाइम लिंक्ड, है ना, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ELISA। तो ये एक टेस्ट है दैट डिटेक्ट्स एंड मेजर्स एंटीबॉडीज इन ब्लड, है ना, ये ब्लड में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन एंटीबॉडीज रिलेटेड टू सर्टेन इन्फेक्शस कंडीशंस, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर HIV एड्स हो, या रोटा वायरस हो, जीका वायरस हो, लाइम डिजीज हो, है ना, इन सभी में इस टेस्ट को यूज़ किया जा सकता है, ELISA को। चलिए, अब यहाँ पे आ गया हमारा टॉपिक, डालना भूल गया था मैं यहाँ पे, दिस इज़ वाइट फ्लाइज, है ना, वाइट फ्लाई, ठीक है। वाइट फ्लाई जो है वो एग्रीकल्चर में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो हमारी फसल वगैरह है, फसल वगैरह को ख़राब कर दे रहा है वाइट फ्लाई, इसी लिए इसको पढ़ने की ज़रूरत है ना, हमारी फसलों को ख़राब कर रहा है वाइट फ्लाई। तो भैया फसलों को ख़राब करेगा तो पढ़ेंगे ना। चलिए आते हैं वाइट फ्लाई के बारे में, जानते हैं कि होता क्या है भैया। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि वाइट फ्लाई जो है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि आज ही ये समस्या हमारे यहाँ पे आई है, है ना, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, और मतलब अब इस पर हम जो स्टडी है धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं, है ना। तो वाइट फ्लाई बेसिकली क्या है? वाइट फ्लाई इज़ वन ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज़, है ना, ये क्या है? एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है जो यहाँ पर आके हमारे क्रॉप्स वगैरह को ख़राब कर रहा है। ये ओरिजिनली कहाँ का है? ये ओरिजिनली सेंट्रल अमेरिका का माना जाता है, या कैरेबियंस का माना जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिका या कैरेबियन से फिर भारत कैसे आया भाई, हमारे एग्रीकल्चर को ख़राब कर रहा है? तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो फुरकान अंसारी हैं, है ना, फुरकान केनिया गए थे घूमने के लिए, है ना, फुरकान केनिया गए थे, वहाँ पे उनको कोई प्लांट बड़ा अच्छा लगा, है ना,
तो इनको मन हुआ चलो भैया प्लांट ले जाते हैं और इंडिया में भी लगाएंगे। अब फुरकान ने ज़्यादा सोचा नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया उस प्लांट के बारे में कि भैया इसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, कौन सा स्पीशीज़ है, इंडिया के मतलब जो इकोसिस्टम है उस वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या किस टाइप के रिसोर्स यूज़ करेगा। फुरकान प्लांट यहाँ ले आए, है ना, उस प्लांट के साथ इंसेक्ट भी आ गया, ठीक है, और वो इंसेक्ट निकला इनवेजिव, ठीक। तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं साइंटिस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फ्लाई, वाइट फ्लाई के बारे में जानते हैं। तो रीसेंट स्टडीज से पता चला है कि लगभग 1.35 लाख हेक्टेयर ऑफ कोकोनट एंड ऑयल पाम, है ना, कोकोनट यानी कि नारियल और ऑयल पाम अफेक्ट हुआ है, किसकी वजह से, वाइट फ्लाई की वजह से। एक्सटेंसिव स्टडीज आर कैरिड आउट फ्रॉम 2015 टू 2020 अक्रॉस द कंट्री टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ अकरेंस इंटेंसिटी ऑफ द इन्फेस्टेशन ऑफ वाइट फ्लाई, है ना। तो खूब यहाँ पर पढ़ाई की गई, लगभग 5 वर्षों से हमने इस पर खूब गहन अध्ययन किया है। रिसर्चर्स ने क्या किया, बेसिकली इसका डीएनए निकाला, है ना, डीएनए निकाला इंडिविजुअल एडल्ट वाइट फ्लाई से, और फिर उनके बारे में जाना समझा, और इन्होंने एक्सप्लेन किया है रिसर्चर्स ने कि लगभग 8 इन्वेजिव स्पीशीज़ भारत में पाए जा रहे हैं, वाइट फ्लाई के 8 इन्वेजिव स्पीशीज़ भारत में पाए जा रहे हैं। ज़्यादातर स्पीसीज़ जो है वो कहाँ से आए हैं, कैरिबियन आइलैंड से आए हैं या सेंट्रल अमेरिका से आए हैं, ठीक है, वो वहीं के नेटिव हैं, ठीक है, दे आर नेटिव टू कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका। अब भैया बात अगर मैं करूँ कि वाइट फ्लाइज इंडिया कैसे आए, है ना, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई बेबी प्लांट, है ना, सॉरी कोई बेबी इंसेक्ट जो है वो इम्पोर्टेड प्लांट्स वगैरह के साथ आ गया होगा, फुरकान शौक पूर्ति कर लेकर आए थे और बस उसी में एक घुस के आ गया, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है, दूसरा ग्लोबलाइजेशन में आजकल टूरिस्ट जो है वो इंसेक्ट भी खरीदने लगे हैं, है ना, तो टूरिस्ट जो है वो प्लांट्स के साथ इंसेक्ट भी खरीदने लगे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। और भैया एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन एज वेल, पीपल मान लो दे रैंडमली प्लक, है ना, एंड ब्रिंग टाइनी प्लांट्स क्यूरियोसिटी से, भैया फुरकान ने देखा अरे ये क्या लग रहा है भाई, चलो उठा के ले चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। अब अगर मैं वाइट फ्लाइज की रिपोर्टिंग की बात करूं तो सबसे पहली बार केरला में 1995 में रिपोर्ट किया गया था, पर आज ये सिर्फ केरला या सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं है, लगभग पूरे देश में फैल चुका है और मतलब काफ़ी सारा डैमेज ये कर रहा है, है ना, डिटेल्ड डैमेज कॉज्ड बाय द पेस्ट। फर्स्ट रिपोर्टेड इन्वेसिव स्पायरलिंग वाइट फ्लाई, कौन सा नाम है भाई इस स्पीशीज़ का, नाम ध्यान रखना, एलिरोडोसियस, है ना, डिस्पेरस, ये अब लगभग पूरे भारत में है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, है ना, तो पूरे भारत में फैल चुका है, यही सबसे बड़ी समस्या की बात है। सिमिलरली जो रुगोज स्पायरलिंग वाइट फ्लाई है ना, विच वॉज रिपोर्टेड इन पोलाची तमिलनाडु इन 2016, है ना, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग द आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक, तो ये भी अभी पूरे देश में फैल चुका है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो वाइट फ्लाइज हैं वो आज पूरे देश में, भले ही शुरुआत साउथ इंडिया से हुई, साउथ इंडिया में तो ज़्यादा नुकसान करते ही हैं, जो हमारा वेस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे भी खूब सारा नुकसान किया है कॉटन में, है ना, वेस्टर्न स्टेट्स में कॉटन में खूब सारा नुकसान किया, हमारे पंजाब वगैरह में भी नुकसान किया है, तो पूरे इंडिया में तांडव मचा रहे हैं वाइट फ्लाइज आजकल, ठीक है। चलिए कंसर्न क्या भैया, क्रॉप डैमेज इज कंसर्न, है ना, लगभग 2000 प्लांट स्पीशीज़ को डैमेज पहुंचा रहे हैं ये, एंड ऑल्सो फंक्शन एज वेक्टर फॉर मोर देन 200 प्लांट वायरस, है ना, जैसे कोविड वायरस है हमें असर कर रहा है, तो उसी प्रकार से प्लांट की भी तबीयत ख़राब होती है, तो 200 से ज़्यादा प्लांट वायरसेस, है ना, के लिए वेक्टर का काम कर रही है, वेक्टर का काम कर रहे हैं मतलब कैरियर का काम कर रहे हैं, है ना। कॉटन जो है वो वर्स्ट हिट क्रॉप रहा है 2015 में, 2/3, है ना, 2/3 मतलब लगभग 66.6% कॉटन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था पेस्ट की वजह से, है ना, 2015 में 66% कॉटन डिस्ट्रॉय हो गया था पेस्ट की वजह से, कहाँ, पंजाब वाले क्षेत्र में। इनएफेक्टिवनेस की बात करूँ मैं आपको कि जो इंसेक्टिसाइड्स हम डालते हैं, है ना, उन इंसेक्टिसाइड से अभी हम लोग जो इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, उनसे वाइट फ्लाइज पे असर नहीं पड़ता, ठीक है, वाइट फ्लाइज हैव बीन डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल बाई यूजिंग अवेलेबल सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स, है ना, तो इनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई साहब, आप स्प्रे करते रहो और वो वहाँ बैठ के हंसते रहते हैं, ठीक है।
अब इनके इंक्रीज का वजह क्या है, है ना, इनके इंक्रीज का वजह क्या है भैया? इनका इंक्रीज जो है वो है इनकी पॉलीगैफस नेचर की वजह से। पॉलीगैफस नेचर मतलब ये होता है कि दे हैव एबिलिटी टू फीड ऑन वेरियस काइंड ऑफ फूड, है ना। मतलब देखिए, जब आप कुछ स्पेसिफिक फूड को कंज्यूम करते हैं, है ना, स्पेसिफिक फूड को कंज्यूम करते हैं, तो वो स्पेसिफिक फूड हर जगह नहीं मिल सकता, है ना। जब स्पेसिफिक फूड हर जगह नहीं मिल सकता, कई लोगों को आप देखेंगे, बच्चों को हॉस्टल में रहने में परेशानी होती, घर का ही खाना अच्छा लगता है, है ना, तो हॉस्टल में नहीं रह सकता, हर जगह नहीं रह सकता, ज़्यादा रिलेटिव्स के यहाँ भी नहीं जाएगा, मम्मी का ही खाना अच्छा लगता है भैया, है ना, रिलेटिव के यहाँ भी नहीं जाएगा। अब ये किसी भी तरह का खाना खा लेता है, मम्मी का, चाची का, नानी का, है ना, दोस्त के घर का, दोस्त की मम्मी का, है ना, सड़क वाले का, रेडी वाले का, तो इसकी यही खास बात है, ये किसी भी तरह की, है ना, फीड पर सर्वाइव कर लेता है और इसीलिए कहीं भी घूमता फिरता है यायावर की तरह। चलिए, मेजर्स क्या लिया जा सकता है यहाँ पर? मेजर्स में एक हो सकता है भैया हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, है ना, वन कैन बी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। मेरी फ़ोटो क्यों नहीं आ रही यार, ऐसा लग रहा है लॉस्ट सा, मेरी फ़ोटो आ जाए यार। थोड़ी देर पहले आ रही थी, मैंने सोचा बड़ा कर दूँ, बड़े करने के चक्कर में गायब ही हो गई, टेक्नोलॉजी समझ ना आती हमें। अरे दिख जाओ दिख जाओ, ना दिखेगा? चलो ना दिख रहा जी, चल भाई कोई बात ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, है ना, आ जाइए, अब देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या हो सकते हैं। अलग अलग मेथड देखेंगे जिनकी ज़रूरत है, जिनकी यूटिलिटी हो सकती है। तो वाइट फ्लाइज बेसिकली काफ़ी डिफ़िकल्ट है सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड से इनको कंट्रोल करना, ये तो मैंने आपको बताया। इसीलिए नेचुरली अकरिंग, है ना, इंसेक्ट प्रीडेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, जो इंसेक्ट खाने वाले हों नेचुरली एग्जिस्टिंग, उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। फंगाई दैट कैन किल इंसेक्ट्स, है ना, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर नॉट जस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली फीजिबल, है ना, एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा और इकोनॉमिकली भी फीजिबल रहेगा, ये फ़ायदा हो जाएगा, है ना। एंटो, है ना, एंटोमोपैथीओजेनिक फंगाई, क्या नाम है भैया? एंटो, है ना, मोपैथोजेनिक फंगाई स्पेसिफिक टू वाइट फ्लाइज आर आइसो, है ना, लेटेड, ठीक है, इनको आइसोलेट कर दिया जाता है। आ जाइए, यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्योरीफाइड ग्रोन इन द लैब और मास प्रोड्यूस्ड एंड अप्लाइड इनटू द वाइट फ्लाई इन्फेस्टेड फील्ड इन कॉम्बिनेशन विद द रिलीज ऑफ लैब रेयर्ड पोटेंशियल प्रीडेटर्स एंड, है ना, क्या, पारासिटोइड्स। तो बेसिकली क्या करना है भैया, लैब में हमें डेवलप करना है, लैब में रियर्ड, लैब रियर्ड मतलब लैब में पाले हुए, उगाए हुए, है ना, पोटेंशियल प्रीडेटर्स को, और फिर उनको रिलीज कर देना है, ऐसा यहाँ पर हम सजेस्ट कर रहे हैं। बायोलॉजिकल मेजर्स हो जाएगा ये, ठीक है। सेकंड इज प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए इसकी, है ना, सेकंड क्या कर सकते हैं हम इसकी, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द अकरेंस ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, है ना, उनका जो होस्ट प्लांट है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, इन सभी चीज़ की मॉनिटरिंग की जाए। सिटीजन्स को अवेयर किया जाए, है ना, जो ट्रैवलर्स हैं, कि भैया फुरकान की तरह आप शौक ना पालें, है ना, लेकर ना आए, ठीक है। फाइटोसैनिटरी रेगुलेशन हो सकते हैं, स्टेट शुड एंश्योर स्ट्रिक्टर फाइटोसैनिटरी मेजर्स एट रिलेवेंट प्लेसेस टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इनकमिंग टॉक्सिक स्पीशीज। चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई। बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा सकता है वाइट फ्लाइज के लिए। जो नेशनल बायो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, इसने डेवलप किया एक पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन, है ना, एंड दिस इज गोइंग टू द फील्ड्स, है ना, फॉर ट्रायल, है ना, इस बार अप्रैल से अक्टूबर के बीच में फरीदकोट वगैरह पे ये ट्रायल में जा रहा है, ठीक है बॉस।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब जीएस पेपर वन पर चलते हैं। आपको राजा राम फोकस है उनका, सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म तीनों पर फोकस है उनका, है ना। अब राजा राम मोहन राय साहब की अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट राजा राम मोहन राय, तो मैंने आपको बोला कि मल्टीपल लैंग्वेजेस आते थे, तो बेसिकली अरबिक और पर्शियन, है ना, अरबिक प्लस पर्शियन। अरबिक और पर्शियन सीखा था इन्होंने कहाँ से? अरबिक और पर्शियन सीखा इन्होंने कहाँ से, जल्दी बताओ। अरबिक प्लस पर्शियन इन्होंने सीख लिया भैया पटना में, ठीक है, मदरसा में गए थे ये, है ना, पटना में मदरसा में जाके सीखे। अब आप बोलेंगे क्या सर ब्राह्मण आदमी है, है ना, बंगला बंगाली ब्राह्मण है, ये मदरसा में जाके क्यों सीखे? भैया जब ये लोग थे उस समय मुगल्स, मतलब जब ये बालक थे उस समय इंडिया में मुगल एम्पायर ख़त्म नहीं हुआ था, है ना, और मुगल एम्पायर अगर ख़त्म नहीं हुआ था तो सबसे ज़्यादा शानदार नौकरी जो है उस समय क्या मानी जाती थी? कोर्ट की नौकरी, दरबार की नौकरी, मुगल दरबार की नौकरी। तो मुगल दरबार में अगर नौकरी चाहिए तो भाई पर्शियन और अरबियन आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इनके पिताजी ने इनको पटना में कहाँ भेजा? मदरसा में भेजा, सो दैट ये पर्शियन और अरबिक सीख पाए। तो वहाँ से पर्शियन और अरबिक सीख गए। उसके बाद ये चले गए बनारस, है ना, बनारस या आप कह लीजिए काशी, काशी या बनारस में जाकर इन्होंने संस्कृत सीखा, है ना, काशी या बनारस में जाकर इन्होंने संस्कृत सीखा। संस्कृत में इतने पारंगत हो गए कि फिर वेद उपनिषद सब पढ़ने लगे, है ना। तो इनका आप देखेंगे कि विविध भाषाओं में इनका पारंगत है। चलिए ये बात तो जान गए, और सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल तीनों रिफॉर्मर हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, है ना, जो कि आप कह सकते हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो बंगाल में हुआ या भारत में हुआ, है ना, उसमें अगर सबसे पहला कुछ इनिशिएटिव था तो वो यही था, आत्मीय सभा ऑफ 1815। आत्मीय सभा के द्वारा इन्होंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई वो थी नारी का अधिकार, है ना, महिलाओं का अधिकार, राइट्स ऑफ वुमेन। इन्होंने सती सिस्टम को अपोज करना शुरू किया, पॉलीगैमी का अपोज करना शुरू किया। पॉलीगैमी इज़ बेसिकली वन पर्सन मैरिंग टू मल्टीपल वुमेन, है ना, मतलब एक हमारा जैसे ये भाई था, कल एक आया था ना, कंपेनियन ढूंढ रहा था, है ना, तो कंपेनियन वाला भाई, कंपेनियन वाला भाई वो एक से दो से तीन से, है ना, ऐसे शादी कर ले, तो पॉलीगैमी। तो हिंदूज के अंदर पॉलीगैमी का विरोध कर रहे थे और डिमांडेड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट्स फॉर वुमेन, है ना, कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी सिर्फ मेल मेंबर्स नहीं होने चाहिए, वुमेन भी होनी चाहिए, है ना, बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए भस्वती है और भस्वती के भाई हैं, ठीक है, भस्वती के भाई, ठीक है, बी और बीबी, तो पापा की प्रॉपर्टी में दोनों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, तुम ज़्यादा इन चीज़ों पे दिमाग मत लगाना। चलो इस बात पे ज्ञान क्लास शाम की क्लास में दूंगा आपको, एक चीज़ बताऊँगा कि क्यों कभी भी प्रॉपर्टी विवाद में घर वालों से मत उलझना, क्यों नहीं उलझना है शाम को बताऊँगा, ठीक है। आ जाओ 1817, है ना, 1817 में इन्होंने महापाठशाला की स्थापना की, विच केम टू बी नोन एज हिंदू कॉलेज एट कैलकटा, है ना, महापाठशाला जो बाद में क्या बना, हिंदू कॉलेज बना। बाद में इसको रीनेम करके 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया। आज भी ये कॉलेज एग्जिस्ट करता है और मतलब इंडिया का वन ऑफ द फेमस कॉलेजेस में है, हालांकि मतलब आजकल थोड़ी इमेज धूमिल हो गई है, पर अभी भी बढ़िया कॉलेजेस में शुमार है ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक की बात हो गई। ही पेव द वे फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, है ना, अलॉन्ग विथ डेविड हरे। डेविड हरे के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, है ना, विच लेटर वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स, ठीक। चलिए 1821 में इन्होंने शुरू किया संवाद कौमुदी, है ना, 1821 में इन्होंने क्या शुरू किया? संवाद कौमुदी। घर में रहने दे रहे बहुत है, नहीं नहीं मेरा कुछ अलग फिलॉसफी है उसके बारे में, शाम को डिस्कस करेंगे उस फिलॉसफी के बारे में, है ना, कि वाई यू शुड नॉट फाइट विथ पीपल। तो जिंदगी में लड़ो, झगड़ो मत, है ना, लड़ना अलग चीज़ है, झगड़ना अलग चीज़ है, ठीक है। लड़ना है बड़ी चीज़ों के लिए, कि आप लड़ रहे हैं कि भाई साहब इंडिया में फीमेल के लिए एजुकेशन सिस्टम क्यों खराब है, है ना, ट्राइबल एरियाज़ में क्यों शिक्षा का पहुँच नहीं है, उस चीज़ के लिए लड़ो, है ना, एनवायरमेंट के लिए लड़ो, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए लड़ो, यूपीएससी के लिए लड़ो, ठीक है, रैंकर बनने के लिए लड़ो कि अंडर 10 रैंक लाना है, इस चीज़ के लिए लड़ो,
छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व मत हुआ करो, उसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, वो तो यार मतलब समझ रहे हो ना तुम, तुमको गली का कीड़ा नहीं बनना है ना, जो ये बोल रहा है जो वो बोल रहा है वो तो गली का कीड़ा है, तुमको वो थोड़ी बनना है, तुमको बनना है कलेक्टर है ना, जिले का मालिक। तो जिले का मालिक बनना है तो फिर एटीट्यूड भी जिले के मालिक की तरह रखना पड़ेगा। जिले का मालिक छोटी छोटी चीज़ों में फंसता नहीं है, है ना, तुमको भी फंसना नहीं है, बॉस बनना है बॉस, है ना, तो बॉस की जैसी मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी की स्थापना की। संवाद कौमुदी की स्थापना जो इन्होंने की, उसके माध्यम से इन्होंने प्रेस के फ्रीडम के लिए, है ना, प्रेस के फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाई, इंडियंस को हाई रैंक में रखें एग्जीक्यूटिव के अंदर, जुडिशियरी के अंदर, इसके लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। और ही ऑल्सो पब्लिश द पर्शियन न्यूज़ मैगजीन, एक पर्शियन न्यूज़ मैगजीन भी पब्लिश करते थे जिसका नाम था मिरातुल अकबर, क्या नाम था, मिरात उल अकबर, ठीक है। हिज एफर्ट्स टू कंबाइन ट्रू टू द रूट्स, है ना, थियोलॉजिकल डॉक्ट्रींस अलॉन्ग विद द मॉडर्न रैशनल लेसन्स सॉ हिम एस्टैब्लिश एंग्लो वैदिक स्कूल इन 1822 फॉलोड बाय वेदांत कॉलेज इन 1826। तो 1828 में इन्होंने ब्रह्मो सभा की स्थापना की। ब्रह्मो सभा की स्थापना की तो इसमें इनके साथ रहे द्वारकानाथ टैगोर, है ना, और बाद में आगे चलकर ये क्या बन गया, बाद में आगे चलकर ये ब्रह्मो समाज बना। और ब्रह्मो समाज जो है ना, ब्रह्मो समाज जो है वो क्या है भाई, बॉस के ऊपर वाइट ड्रेस वाला बंदा बड़ा बॉस होता है, तो भाई तुम वाइट ड्रेस वाला बॉस बन जाओ, ठीक है। चलिए, ब्रह्मो समाज एंड इन्फ्लुएंशियल इन ब्रिंगिंग वेरियस सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। चलिए, विलियम बेंटिक के समय पे इनकी, है ना, एफर्ट के माध्यम से सती को, है ना, एबोलिश कर दिया गया। तो विलियम बेंटिक, ये ध्यान रखना, गवर्नर जनरल का नाम विलियम बेंटिक, इनके टाइम पे ही सती वॉज एबोलिस्ड। तो बाय दिस टाइम ही वॉज अ वेल नोन फिगर इन इंडिया। अकबर टू जो है, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था, है ना, इनका नाम नहीं था, ही वॉज बेसिकली गिवन द टाइटल ऑफ अकबर टू। बेसिकली अकबर टू ने उनको इंग्लैंड भेजा था, है ना, अपने पेंशन की बात करने के लिए, है ना, टू परसुएट देम फॉर द कॉज ऑफ मुगल एम्परर इन ब्रिस्टॉल इंग्लैंड, है ना, पर वहीं पे इंग्लैंड में ही इनकी डेथ हो गई मेनिंजाइटिस से। और फिर ब्रिस्टॉल इंग्लैंड का जो ब्रिस्टॉल है, यहाँ पे एक मतलब इनके सम्मान में एक स्ट्रीट का नाम भी रख दिया गया फिर, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना, चीज़ें की अपनी ज़िंदगी में, विच बेसिकली चेंज्ड द पिक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का फेज था। मेडाइवल से मॉडर्न में इंडिया आ रहा था इस टाइम पे, मेडाइवल से मॉडर्न में आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि बाकी के भी सोशल रिफॉर्मर्स रहे पर ये उनमें से फोर रनर्स थे, है ना। चलिए, तो रिसेंटली ब्रिटिश गवर्नमेंट नेम्ड अ स्ट्रीट इन ब्रिस्टॉल आफ्टर राजा राम मोहन रॉय, है ना, राजा राम मोहन वे नाम रखा है इसका, इन मेमोरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। इनका जो गौड़िया व्याकरण है, व्याकरण बोले तो ग्रामर, है ना, इन बंगाली, इज वन ऑफ हिज बेस्ट प्रोज वर्क्स, है ना। तो गौड़िया व्याकरण इनका सबसे शानदार प्रोज वर्क है। रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र ने भी इनके ही फुटस्टेप्स को फॉलो किया आगे चलकर, ठीक है जी। चलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। इनके कुछ शानदार वर्क्स, है ना, तो अगर इनके इंपॉर्टेंट या शानदार वर्क या पब्लिकेशन की बात करूँ तो उनमें सबसे ऊपर आएगा क्या, तूफत उल मुहावद्दीन, है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, अ गिफ्ट टू मोनोथेसिस 1805 में, ठीक है, ये और है यहाँ पे ध्यान रखना। और दूसरा है वेदांत 1815 में, ठीक है, इशोपनिषद 1816 में, कठोपनिषद, ठीक है, मंडुक उपनिषद, द परसेप्ट्स ऑफ जीसस। आप पूछेंगे सर कौन कौन से याद करने हैं, तो टिक लगाते चलता हूँ, कौन कौन से याद करने हैं, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और कौन सा याद रखो, इतना बहुत है, और थोड़ा बहुत ये भी याद रख सकते हो, बाकी सारा अगर मिस भी करोगे तो चल जाएगा, पर जो रेड टिक लगाए वो सब जरूर याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो संवाद कौमुदी बंगाली न्यूज़पेपर है ये, है ना, मिरातुल अकबर पर्शियन जनरल है, पर्शियन जर्नल है, और गौड़िया व्याकरण ये है, ठीक है, ब्रह्मा पसोना एंड ब्रह्म संगीत,
और साथ ही साथ यूनिवर्सल रिलीजन, तो इतनी सारी रचनाएं इनकी है, है ना। तो क्या शानदार स्कॉलर आदमी थे यार, इतनी सारी रचनाएं इनकी है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेशा। यहाँ से आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हो, एक क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप राजा राममोहन राय से रिलेटेड, वाई। और अगर आप चाहते हो कि डिटेल में कवर करें, तो मैंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो हिस्ट्री की क्लास में करवाया है ना, वहाँ से आप एक बार इस लेक्चर को और देख सकते हो। उसमें पूरा मतलब काफ़ी समय देकर मैंने राजा राममोहन राय जी के बारे में बताया है और इनके ब्रह्म समाज के बारे में बताया है। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एज वेल, है ना। चलिए, वाई राजा राम मोहन रॉय, वाई राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेशा, है ना, रेनेशा। डिस्कस, है ना, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रह्मो समाज ठीक है, 250 शब्दों में लिखिए इसको, ठीक है जी, समझ गए। तो मैंने आपको ये डिस्कस करवाया था थोड़े दिन पहले, आप उस क्लास को देखिएगा। मैं उस क्लास की भी लिंक टेलीग्राम पे अभी सेंड कर दूंगा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाले की, उसको एक बार अच्छे से कर लेना फिर, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन लिख लेना। जीएस पेपर थर्ड पे लिए चलता हूँ आपको, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। तो एक नया नवेला रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। सबसे पहले ये जानिए कि पब्लिश किसने किया है। पब्लिश किया है UNEP WCMC ने, है ना, अजीबोगरीब से नाम है भाई साहब, WCMC। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, क्या नाम है, UN एनवायरमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा कि यार आप लोग उसमें नहीं आते, जो हमारी 8:30 PM पे या 8:15 पे जो क्लास होती है, 8:30 PM पे जो क्लास होती है इकोनॉमी की, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें नहीं आते। भाई साहब इतनी शानदार क्लास है, है ना, ऐसी शानदार क्लास आपको मिलेगी नहीं। आप कल का और जो फर्स्ट सेशन था, दो सेशन हुए हैं अभी, तीसरा सेशन आज है 8:15 रात्रि में, है ना। तो जो दो सेशन पहले हो चुके हैं, आप टेलीग्राम पे जाकर उनके लिंक पे क्लिक करके रिकॉर्डेड वीडियो देखिए पहले, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि भैया इकोनॉमी ऐसी मक्खन भी हो सकती है, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो देखना जाके टेलीग्राम पे, जो लिंक मिलेगा ना उसी पे क्लिक करना, रिकॉर्डेड आपका चल जाएगा, आप एक बार देखना, तब आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी कितनी मक्खन हो सकती है। पब्लिश किसने किया भैया इसको, इसको पब्लिश किया है UNEP के वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने या IUCN ने साथ में मिलके, है ना। और किसने किया, सपोर्ट मिला इनको नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी से, जो कि एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं 8 PM वाली क्लास, उनको बेनिफिशियल लग रहा है नहीं लग रहा, जो लोग कर रहे हैं उनको बेनिफिशियल लग रहा है, पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट, आर यू फाइंडिंग इट बेनिफिशियल, लेट मी नो इन द चैट। 8 PM वाला क्लास के लिए पूछ रहा हूँ, 8:30 वाला। करंट अफेयर्स की क्लास तो तुमको बेनिफिशियल नहीं लगती है, मुझे समझ आ रहा है, है ना, अटेंड वटेंड करते नहीं हो तुम लोग। यस, चलिए, आई होप सो। सो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, है ना, तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट अंडरलाइंड प्रोग्रेस, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, फिर मैं आपसे सवाल पूछ ही रहा हूँ, तो ये करंट अफेयर्स वाली क्लास आपको कैसे करने में ठीक लगता है, मतलब आज तो खैर मेरी यहाँ पे फोटो नहीं आ रही, पर मान लो जैसे यहाँ पे मेरी फोटो आ जाती है, ठीक, एक मोड ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जब मैं स्मार्ट बोर्ड के साथ पढ़ाता हूँ, आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, ए या बी, ए या बी, जो ये वाली क्लास अभी जिस मोड में कर रहे हैं इसी में साइड में मेरी फोटो आती है, आज किसी टेक्निकल रीजन से नहीं आ रही, तो ए ऑप्शन वो है, है ना, या बी ऑप्शन की नहीं सर स्मार्ट बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं वो अच्छा लगता है, ए अच्छा लगता है, ठीक है भाई, ठीक है, ए ए ए, अरे गजब सर, आज का मैं नहीं, मन नहीं लग रहा विकास, फोटो नहीं है, अरे फोटो का क्या करोगे, ए फॉर इंटरेस्टिंग, किसी वजह से मैं लाइव नहीं देख ऐसी रिकॉर्डेड वीडियो, हाँ चलिए, ए की मेजॉरिटी है,
तो फिर इसी मोड पे रहते हैं, आ जाइए एक ही मेजॉरिटी है इसी मोड पे रहते हैं फिर, है ना। चलिए जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 की। तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 में मैंने आपको क्या बोला कि एच ई टारगेट्स, है ना, एच ई बायोडाइवर्सिटी टारगेट की बात कर रहे थे हम लोग, और दीज आर अ सेट ऑफ, है ना, एच ई टारगेट्स क्या है, 20 टारगेट के सेट है, और जिसके लिए सभी मेंबर कंट्री एग्री हुए थे, कहाँ, जो यूएन सीबीडी है उसके अंदर, है ना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, है ना, रियो कॉन्फ्रेंस के बाद आया था, तो वहाँ से संबंधित, है ना, सीबीडी से संबंधित, यूएन सीबीडी से संबंधित 20 टारगेट हैं यहाँ पर, और इनका पर्पस क्या है, टू कंजर्व 17% ऑफ लैंड एंड इनलैंड वाटर इकोसिस्टम एंड 10% ऑफ कोस्टल वाटर्स एंड ओशंस बाय 2020, ठीक है, ये एच ई टारगेट था। न्यू फ्रेमवर्क ऑफ गोल इज ड्यू टू बी एग्रीड अपॉन एट द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन कनमिंग चाइना, है ना, जो कि इस साल अक्टूबर में होने वाला है, क्योंकि ये जो एच ई बायोडाइवर्सिटी टारगेट था ये 2020 तक के लिए ही था, है ना, जब हम लोग पढ़ते थे, मुझे आज याद आ गया ये बताते हुए कि हम लोग पढ़ते थे, हम लोग सोचते थे अरे 2020 तक के लिए इतना लंबा टारगेट लिया है, आज बताओ मैं 2021 में आपको बोल रहा हूँ कि इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, जब हम पढ़ते थे इसके बारे में हम सोचते थे अरे इतना लंबा टारगेट क्यों लिया है भाई। चलिए एच ई टारगेट्स दिखा देता हूँ आपको क्या है, एक बार देख लो एच ई टारगेट्स क्या क्या हैं। एच ई टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ आपसे तो सबसे पहला है पब्लिक अवेयरनेस, है ना, सस्टेनेबल फिशरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, नगोया प्रोटोकॉल, है ना, जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी वैल्यू को समझे हम लोग, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी उसकी वैल्यू को समझें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्पीशीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, रिमूवल ऑफ क्या है, परवर्स इंसेंटिव्स, पॉल्यूशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम सर्विसेज, नॉलेज ट्रांसफ़र, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़, ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर हियर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, डन है बॉस। चलिए तो यहाँ तक की बात समझ गए, तो आगे समझिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है, अभी जो ये रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में कहा गया कि स्ट्रांग स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, अ स्ट्रांग स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच टू बिगिन वर्किंग टुवर्ड्स दिस एम्बिशियस गोल्स, है ना, तो इट इज़ द फर्स्ट इन सीरीज टू इंक्लूड डाटा ऑन अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, है ना, जो अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेथड्स हैं हमारे या मेजर्स हैं, दे आर कंजर्वेशन डिजिग्नेशन फॉर एरियाज दैट आर अचीविंग इफेक्टिव इन सीटू कंजर्वेशन, है ना, इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जो जहाँ पर है वहीं पर कंजर्व करना, है ना, जैसे कि आप अभी घर में हो, है ना, आप अभी घर में हो तो आपको घर पर ही मैं बैठा के पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ इन सीटू, आपको मैं घर से उठा के पहले दिल्ली ले आऊँ फिर बोलूँ हाँ बेटा जी अब यहाँ पे बैठ के पढ़ लो, तो वो हो जाएगा एक्सीटू, ठीक है। चलिए समझ गए, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ तक की बात समझ गए, तो आगे चलते हैं। नगोया प्रोटोकॉल, व्हाट इज नगोया प्रोटोकॉल सर, नगोया प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना, जेनेटिक रिसोर्सेज के एक्सेस पर हमारा प्रोटोकॉल है ये। मेजर फाइंडिंग्स क्या क्या यहाँ पे मिली, 82% ऑफ कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैव इंक्रीज्ड देयर शेयर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया एंड कवरेज ऑफ OECM सिंस 2010, है ना, जो 2010 से ही लगभग 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हैव बीन प्लेस्ड विद इन प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज, मीनिंग 42% ऑफ द एरिया नाउ विद इन प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज हैड बीन एडेड इन लास्ट डेकेड, मतलब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की गति हमने बढ़ा दी है, क्योंकि हमें समझ में आने लगा है कि पहले हमने बहुत पाप किए हैं, ठीक। रिजल्ट ये रहा कि लगभग 22.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड और इनलैंड वाटर इकोसिस्टम्स जो हैं, है ना, और लगभग 28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हमारा कोस्टल वाटर और ओशन जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया है अब, ठीक है, मई 2021 तक इतना एरिया जो है प्रोटेक्टेड एरिया में आ चुका है। ऑन एन एवरेज 62% ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरियाज इधर फुली और पार्शियली ओवरलैप विथ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड OECMs, है ना, तो ये बढ़िया बात हो गई भाई। जो KBAs है, की बायोडाइवर्सिटी एरियाज हैं, वो ऐसे साइट हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल प्रिस्टाइन
है ना, सॉरी ग्लोबल परसिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो, फ्रेश वाटर में हो या मरीन में हो। एवरेज परसेंटेज ऑफ ईच KBA विद इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड OECMs इज 43%, ठीक है, ये 43% है जी। देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 5 percentage points और लेस इन ईच केस सिंस 2010। ग्रेटेस्ट ग्रोथ कहाँ में देखने को मिला, मरीन और कोस्टल एरियाज में। चलिए, तो मरीन और कोस्टल एरियाज में सबसे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला। रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वहाँ पे आपने ये नाम जाना था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो ये बेसिकली UNEP और UK चैरिटी है ना के बीच का एक कोलैबोरेशन है, ठीक है, दिस इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन UNEP एंड UK चैरिटी। इसका मिशन है एक ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित। ओ माई गॉड, गजब नंदन बाबा, गजब, एकदम हिंदी बोल दिया आप, है ना। अरे कल वो मुझे ना वो किसी ने लिंक भेज दिया एक, तो मैंने देखा थोड़ा, 20-25 मिनट देखा होगा मैंने, बाबा निराला, बाबा काशीपुर वाले, वो बॉबी देओल वाला, मैं उसके बाद डाउट लगने लगा, यार बच्चे बाबा बोलते हैं मुझे, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। कल मेरे को डाउट लगने लगा, यार ये बच्चे बाबा बोलते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा, ये बाबा की इमेज खराब हो गई है, बाबाओं की इमेज खराब कर दी कुछ लोगों ने। ये बड़ा भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मतलब हमारा जो देश है वो ऋषि परंपरा संत परंपरा वाला देश है, और ऐसे देशों में मतलब ऑब्वियसली बात है, मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स हुए तभी फिर फिल्में बन रही हैं या वेब सीरीज़ बन रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा हुआ नहीं है रियल में, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं तभी फिल्में और ऐसी चीज़ें बन रही हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भैया, है ना, भारत जैसे देश में ऐसा होना। और फिर इससे क्या होता है ना, मतलब कोई स्पेसिफिक पे आप नहीं जाते ना, एक मतलब नोशन बन जाता है कि अरे बाबा ऐसे होते हैं, है ना, तो फिर वो जो पूरी संत कम्युनिटी है उनके बारे में आपके माइंडसेट में ऐसा चलने लगता है, है ना, आपके माइंडसेट में पूरे उस कम्युनिटी के लिए चलने लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जैसे इनका देख लो, क्या नाम है, चलिए खैर छोड़िए, बाद में बताएंगे उसके बारे में। मिशन है ना, मिशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम सर्विसेज से संबंधित है ना ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो कि यूजफुल हो डिसीजन मेकर्स के लिए या पॉलिसी मेकर्स के लिए, है ना, जो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए, कंफर्टेबल। इट वर्क्स विथ साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स टू इनेबल एनलाइटेंड, है ना, चॉइसेस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। तो ये बात होगी, तो कल मुझे फिर लगा मैंने, यार ये बाबा बोलते हैं ठीक नहीं, फिर मुझे एक लड़का आजकल कोई लिखता है आचार्य जी, मैं यार यही ठीक है, आचार्य जी ठीक लग रहा है। इट हैज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ डिसीजन मेकर्स एट नेशनल रीजनल एंड लोकल स्केल्स, है ना, कौन कौन से क्षेत्र में भैया, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, फाइनेंस, फिशरीज, एक्वाकल्चर और टूरिज्म में। ये कहाँ बेस्ड है, कैम्ब्रिज UK में बेस्ड है, ठीक है, कैम्ब्रिज UK में बेस्ड है। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे IUCN, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। IUCN जो है ये एक क्या है, डेमोक्रेटिक यूनियन है, है ना, दैट ब्रिंग्स टुगेदर वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड टॉप एक्सपर्ट्स, ठीक है, सबसे इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस और टॉप एक्सपर्ट्स को साथ में लाता है एक कम्बाइंड एफर्ट के लिए, जिससे नेचर कंजर्वेशन किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, है ना, एक्सीलरेट किया जा सके, ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सीलरेट कर दिया जा सके, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो इट हार्नेस द एक्सपीरियंस रिसोर्सेज एंड रीच ऑफ मोर देन 1400 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इनपुट ऑफ मोर देन 18,000 एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो भैया लगभग 18,000 एक्सपर्ट्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं IUCN में, तो आप समझ सकते हैं कि IUCN का जो एफर्ट होगा वो कितना ज़्यादा मतलब रिसर्च बेस्ड होगा, है ना, कितना वेल थॉट होगा। तो IUCN एक बहुत अपने आप में, है ना, वेल रिसर्च्ड और मतलब वेल आर्टिकुलेटेड रिपोर्ट के लिए जाना जाने वाला संस्था है हमारा। हर 4 साल में इट कन्वेंस IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, है ना, प्रति
चार वर्ष में ये क्या करवाता है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जहाँ पर IUCN मेंबर्स ग्लोबल कंजर्वेशन का एजेंडा रखते हैं, है ना, और वोट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर UN IUCN का जो काउंसिल है ये प्रिंसिपल गवर्निंग बॉडी है IUCN के लिए, है ना, मतलब जो ये चार सालों पे सेशंस होता है तो बीच में जो चार साल रहेंगे उसमें भी कुछ काम काज होगा ना, तो उसके लिए जो IUCN काउंसिल है वो काम करता है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है स्विट्जरलैंड, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जी। चलिए यहाँ तक की बात हो गई, चलो यहाँ तक की बात हो गई तो फिर आगे चलते हैं, समझते हैं। माउंट नीरा गोंगो है ना, क्या है भैया ये बेसिकली कांगो में लोकेटेड एक वॉल्केनिक इरप्शन है ना, कांगो में एक वॉल्केनिक इरप्शन है। दिस इज़ अ एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो, है ना, ये एक एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है और दिस इज नोन एज कंपोजिट कोन्स एंड देयर लोअर स्लोप्स आर जेंटल, है ना, कंपोजिट कोन के रूप में जाना जाता है और लोअर स्लोप जो उनका जेंटल है। ज़्यादातर डेडली वॉल्केनोज होते हैं, मतलब बहुत खतरनाक, एकदम गदर मचा देंगे। लार्जेस्ट परसेंटेज है ना 60% ऑफ अर्थ इंडिविजुअल वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो जो है एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो, जितने इंडिविजुअल वॉल्केनो उनका 60% यही होते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं क्या सर स्ट्रेटो वॉल्केनो के, बिल्कुल है, जापान का माउंट फूजी, फिलीपींस का माउंट मायन और जो ग्यूटामाला है उसका माउंट अगुआ, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं सर। लोकेशन देखो जरा, तो ये आप देख सकते हो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, यू कैन सी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में यहाँ देखो रवांडा के बॉर्डर के पास, है ना, इधर है, ठीक है, तो इनसाइड वरिंगा, है ना, इनसाइड वरिंगा नेशनल पार्क ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्ट वैली है जो ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है, अल्बर्टाइन, है ना, रिफ्ट वैली, ये पूरा जो रीजन है दिस इज द रिफ्ट वैली रीजन, है ना, दिस एंटायर इज द रिफ्ट वैली, जो अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली है, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप का फोर्स होगा अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली में, किस टाइप का फोर्स लगता होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, क्या लगता है आपको किस टाइप का फोर्स लगता होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, जल्दी बताओ। रिफ्ट वैली है भैया, ऐसे रिफ्ट बने हुए हैं यहाँ पे, है ना, मतलब डाइवर्जेंट फोर्स है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, डाइवर्जेंट फोर्स, ठीक। तो ये एक डाइवर्जेंट बाउंड्री कह सकते हैं आप। चलिए आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, ये अपना डेली का शेड्यूल है जी, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है पता कर लीजिए। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप में से ज़्यादातर लोग एडेड होंगे, जो नहीं एडेड है जुड़ जाइए यहाँ पे, और 8 PM की क्लास ज़रूर करें, बढ़िया क्लास होती है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आना चाहें तो GS प्लस ऑप्शनल, है ना, के लिए यहाँ पर अभी बढ़िया ऑफर चला हुआ है, अनअकैडमी की तरफ से आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट, है ना, इस डिस्काउंट को आप अभी अवेल कर सकते हैं। कब तक वैलिड है ये, कल तक वैलिड है, 26 तक, है ना। वन ईयर का सब्सक्रिप्शन जो कल के बाद फिर से 77,000 का हो जाएगा, और टू ईयर का सब्सक्रिप्शन कल के बाद 1,12,000 का हो जाएगा। अभी आपको ये 57,000 और 83,000 में मिल रहा है, 10% डिस्काउंट का कोड लगा सकते हैं, और डिस्काउंट के कोड के बाद फिर ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी अराउंड 52,000 फॉर वन ईयर एंड अराउंड 75,000 फॉर टू ईयर, ठीक है। तो दिस विल बी द कॉस्ट, ये आपके लिए कॉस्ट होगा, आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइए अनअकैडमी प्लस पर पढ़िए, वहाँ पे मुझसे, मेरी पूरी टीम से, नए बैचेस शुरू होने वाले हैं वहाँ पे, है ना, तो यू कैन कम एंड ज्वाइन। नए बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं सर, 26 तारीख से और 30 तारीख से, है ना, 26th एंड 30th, ठीक है, टू बैचेज आर स्टार्टिंग, एक 26 से एक 30th से, और आप आराम से आके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है यहाँ पे आपके लिए, एडुकेटर जो हैं वो इंडिया के बेस्ट मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें एक जगह पे मिलेगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन, है ना। चलिए सर, तो ये बात तो हो गई, एग्जामिनेशन के लिए आपको जो भी सपोर्ट वगैरह चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए यही वाला कोड यूज़ करना पड़ेगा, है ना, डू रिमेंबर टू यूज़ दिस कोड, है ना, आपको इसी से मेरा सपोर्ट, मेरा गाइडेंस मिलता रहेगा, है ना, बाबा काशीपुर वाले, है ना, आशीर्वाद मिलता रहेगा। चलिए डन है बॉस, चलिए यहाँ तक की बात समझ गए, तो आइए आगे चलते हैं।
आइए आगे चलते हैं। हाँ, नए बैचेस का मैंने आपको बता ही दिया है शुरू हो रहा है कब से। न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 26th and 30th, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, और फिर मिलते हैं, ठीक है, चले, बाय बाय।